इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट्स पर रेखा जी दिखाई दी थी और वो एपिसोड आपने भी देखे हैं, जहां रेखा जी ने लोगों को हंसाया, गुदगुदाया, कुछ बेहतर फील कराया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को रुला भी दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। भाई जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, जब भी रेखा जी की बात होती है, कि रेखा जी जहां भी होती हैं तो वहां माहौल कुछ अलग होता है। ये तो आपने देखा कि इंडियन आइडल के एपिसोड्स में जब रेखा जी वहां पर थी तो क्या मजेदार माहौल था। उन्होंने हर एक कंटेस्टेंट के साथ जिस तरीके का इंटरेक्शन किया, जजेस के साथ जिस तरीके का इंटरेक्शन किया, हिमेश रेशमिया के साथ जिस तरीके की जुगलबंदी की, बहुत सारी चीजें थी। पवनदीप के साथ ढोलक पर जिस तरीके से पवनदीप ढोलक बजा रहे थे और वो सिर्फ एक्ट कर रही थी, और क्या कमाल का एक्ट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वही ढोलक बजा रही थी। तो ये सारी चीजें हमने देखी और फिर हमने देखा कि रेखा जी ने काफी गानों पर परफॉर्म भी किया, जो कि देखकर राम्या कृष्णन की आंखों में आंसू आ गए, आंखें नम हो गई। जी हाँ, राम्या कृष्णन ने एक वीडियो डाला इंस्टाग्राम पर, जहां देख रहा है कि वो रेखा की परफॉर्मेंस देख रही हैं और उसके बाद जो है उनकी आंखें नम हो रही हैं और वो मतलब इतनी मेस्मराइज्ड हो गई हैं कि उनसे आंसू नहीं रुक रहे हैं अपनी आंखों से। और उन्होंने लिखा है रेखा जी करके, फिर आगे ऐसे बहुत सारे हाथ जोड़ने वाले इमोजीज बनाए हुए हैं। तो राम्या कृष्णन तो मंत्रमुग्ध हो गई रेखा जी का परफॉर्मेंस देखकर, और वाकई रेखा जी के ये जो एपिसोड था इंडियन आइडल का जिसमें रेखा जी नजर आई थी, कमाल धमाल बेमिसाल, मेरा भी फेवरेट हो गया था ये एपिसोड। तो अभी के लिए इतना ही, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।